दीन की सूफ़ी तबीर में जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट या इन्फ्लुएंशियल सूफ़ी समझा जाता है वो इब्ने अरबी को कहा जाता है। इब्ने अरबी स्पेन में पैदा हुए लेकिन उनकी ज़्यादातर ज़िंदगी दमिश्क में गुजरी। इब्ने अरबी कहते थे कि दो असूल हैं, तहकीक और तकलीद। तकलीद का लफ्ज़ अकल से निकलता है यानी इंटेलिजेंस, ज़हानत, और तकलीद के फिर मानी ये हुए कि ऐसी शख्सियात, ऐसी अथॉरिटीज़ जिनकी तकलीद की जाए यानी जिनके मुताबिक चला जाए। इसके बरक्स तहकीक का लफ्ज़ हक से निकलता है यानी कि सच। अरबी में आपने किनारा भी सुना होगा, अनल हक, उसका मतलब ये कि हक, और तहकीक का मतलब फिर ये हुआ कि हक की तलाश। इब्ने अरबी कहते थे कि हमें कामयाब होने के लिए तहकीक की ज़रूरत है, तकलीद की नहीं। इब्ने अरबी कहते थे कि इस हक, इस सच और इस ट्रुथ को पाने के लिए हमें कुरान को पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। और जो लोग, वो लोग जिन्होंने इस हक को पा लिया है उनको मुहक्किकून कहते थे। चूँकि इब्ने अरबी का नज़रिया था कि खुदा ताला इस कायनात को हर लम्हे में तख्लीक कर रहे हैं, यानी कि एक लम्हे में तख्लीक किया, उससे अगले लम्हे में दोबारा तख्लीक करेंगे, और इस लम्हे के दरमियान में खुदा ताला ने नए सिरे से कायनात को दोबारा तख्लीक किया, यानी कि खुदा ताला की तख्लीक में रिपीटेशन नहीं है। उससे वो ये नतीजा अखज़ करते थे, क्योंकि कुरान भी खुदा ताला ने तख्लीक किया है, इसलिए उसको हर बार पढ़ने से हमें कोई ना कोई नया, नई चीज़ मिलेगी, नई बात मिलेगी, जिससे हम तहकीक के ज़्यादा नज़दीक, ज़्यादा करीब हो जाए। इब्ने अरबी का शायद जो सबसे बड़ा नज़रिया था वो था वहदतुल वजूद, यानी अब ये वक्त तो नहीं वहदतुल वजूद को बिल्कुल वाज़ह करने का, लेकिन इस बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता है, इसको इसकी मेन इसका मेन मुद्दा ये है कि वजूद सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए साबित है, अल्लाह ताला के अलावा दुनिया में किसी चीज़ का वजूद साबित नहीं। यानी कि जिस चीज़ के बारे में हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि वो है, वो सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है। इसको जो अगली बात में बयान करूँगा उसकी रोशनी में ज़्यादा समझ आ जाएगी। इब्न अरबी ये भी कहते थे कि अल्लाह ताला नूर है, रोशनी है। वो कहते थे कि रोशनी जब किसी चीज़ पर पड़ती है तो हमें वो चीज़ तभी नज़र आती है, हम उसके बारे में तभी जान सकते हैं। अगर रोशनी ही नहीं होगी तो फिर हमें न चीज़ की समझ आएगी ना हम उसको जानेंगे। लेकिन हम बजाते खुद रोशनी को नहीं देख सकते। इसी तरह अगर अल्लाह ताला नूर है, रोशनी है, तो हम उनको देख नहीं सकते और ना ही उनको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तमाम सूफ़ी शायर और सूफ़ी मज़हब को बयान करने वाले ये कहते हैं कि हक सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा ताला की ज़ात को कहा जा सकता है। इस दुनिया में जितनी भी ठोस चीज़ें हैं वो फ़ानी हैं, यानी उनको आना है, उनको जाना है, लेकिन जो हस्ती, जो चीज़ हमेशा से थी और हमेशा रहेगी, यानी कि जो लाफानी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा ताला की ज़ात है। इसके अलावा वो कहते हैं कि एवरी थिंग एमिनेट्स फ्राम गॉड, यानी कि हर चीज़ खुदा का हिस्सा है। वजूद, जैसा कि वहदतुल वजूद के मुताबिक वजूद सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के लिए साबित है, यानी कि रूह, जिस्म, ठोस, मादा, खुदा, ये डुअलिज्म नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ वहदत है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ खुदा ताला है। इसके अलावा जो कुछ भी हमें नज़र आता है, एवरी थिंग एमिनेट्स फ्राम गॉड। यानी कि ये जो नज़रिया है पैंथीज़म का, जिसको बहुत से सूफ़ी हज़रात मानते हैं, ठीक करार देते हैं, यानी इस पर बहुत अच्छी खासी तनकीद भी हुई, यानी कि ठीक ठाक तनकीद हुई। यानी कि एक रवैया ये है जिसमें इब्ने अरबी कहते हैं कि वजूद सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के लिए साबित है, और दूसरा नज़रिया ये है, दूसरी तरफ मुखालिफ का पॉइंट ये है कि इब्ने तैमिया कहते हैं कि ये तो सरासर शिर्क हो गया, ये तो अल्लाह के साथ शिर्क हो गया। ये तकरीबन 700-800 साल से ये डिबेट चल रही है कि क्या ये वहदतुल वजूद का नज़रिया इस्लाम के उसूलों के मुताबिक है या फिर उसके ख़िलाफ़ है। इब्ने अरबी कहते हैं कि तीन तरह के, तीन किस्म की दुनियाएं हैं, यानी कि वर्ल्ड ऑफ़ बॉडीज़, वर्ल्ड ऑफ़ स्पिरिट और वर्ल्ड ऑफ़ इमेजिनेशन, यानी कि मादी दुनिया, रूहानी दुनिया और ख़याल की दुनिया। वो कहते हैं कि रूहानी दुनिया तो वो है जो खुदा ताला की दुनिया है, और मादी दुनिया वो है जिसमें हम रह रहे हैं। और जो ख़याल की दुनिया है, ये ऐसी दुनिया है जो एक आम इंसान को मादी दुनिया से रूहानी दुनिया, यानी कि खुदा ताला के साथ ताल्लुक़ कायम करने में अहम किरदार अदा करती है। इब्ने अरबी कहते हैं कि खुदा सरासर नूर है, रोशनी है,
और जो जो इस नूर से दूर जाते जाएंगे हम अंधेरे की तरफ बढ़ते जाएंगे, और दो इंतहाएँ बन जाती हैं, एक इंतहा खुदा है जो कि सरासर नूर है, दूसरी इंतहा डार्कनेस जो कि अंधेरा है, और इसके दरमियान का जो रास्ता है, दरमियान की जो जगह है उसको वो कहते हैं कि वो है बरज़ख, यानी कि वो दुनिया जिसमें हम रहते हैं। वो कहते हैं हम दिल की एक धड़कन में खुदा को समझते हैं और दूसरी धड़कन में अपनी दुनिया को समझते हैं, मादी दुनिया को समझते हैं। इब्न अरबी चाहते हैं और कहते हैं कि इंसान को उस रूहानी दुनिया यानी कि खुदा ताला हक सच नूर के नज़दीक होना चाहिए, उसकी तलाश करनी चाहिए। और वो बयान करते हैं कि ये दुनिया एक सर्कल की तरह है और उस सर्कल का सेंटर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। हर इंसान अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहा है, घूम रहा है, ज़िंदगी गुजार रहा है, और वो ये चाहता है कि वो उस सेंटर ऑफ परफेक्शन पर पहुँच जाए जिस पर नबी सल्लम की ज़ात थी, ताकि वो भी हक सच की तलाश कर ले, उसको पा ले, उसके ज़्यादा नज़दीक हो जाए।